तो अभी फिलहाल जरूर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और रूसोस यानी कि कुल मिला के जो ब्लड लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तबाही मचा रही है, वो मचा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर धमाल। हाँ वो अलग बात है रूसोस हार गए थे आरके ब्रो से, लेकिन फिर भी क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं द ब्लड लाइन के, इसको लेकर रिसेंटली कुछ काफी बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने और उसके बारे में बात करने वाले हैं आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज का सेगमेंट प्लस दो बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए। रिसेंटली कीथ ली ने भी अपना काफी सरप्राइज लुक कर दिया रिवील और रायबैक ने भी हिंट कर दिया अपने WWE रिटर्न, लेकिन रिटर्न करने के लिए उन्होंने बता डाली है वो इकलौती कंडीशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करेंगे WWE के आने वाले स्मैकडाउन के शो के साथ में, जो आने वाला यानी कि कल का स्मैकडाउन का शो होगा वो डेफिनेटली WWE का एक बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक तो हमें रोमन रेंज का नेक्स्ट चैलेंजर पता लगेगा। WWE ने जो रिसेंटली सेगमेंट अनाउंस किया है वो रोमन रेंज का यही किया है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर देखते हैं कौन आता है रोमन रेंज के सामने, कौन आता है ट्राइबल चीफ की यूनिवर्सल टाइटल के पीछे। डेफिनेटली सेगमेंट के लिए भाई मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। साथ ही में शो के ऊपर एक टैग टीम मैच भी ऑफिशियल हो चुका, क्योंकि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर एंड कैरिश्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी एक साथ एक टैग टीम में होने वाले हैं और फेस करने वाले हैं कॉर्बन एंड मैड कैप मॉस का। ये जो मैच हमने काफी बार WWE के सुपर शोज यानी कि लाइव इवेंट्स के अंदर देखा है, लेकिन जैसे हमने स्टोरी के अंदर देखा था कि पिछले हफ्ते अटैक किया था कॉर्बन ने जेफ हार्डी के मैच के अंदर, तो उसके बाद यहां पर मैकइंटायर बचाने आए थे। तो कुल मिलाकर ये जो स्टोरी है वो आने वाले टाइम में लीड कर रही है, इसलिए जेफ आर्डियन मैकइंटायर एक साथ आएंगे और फेस करेंगे कॉर्बन एंड मैडकैप मॉस का। और जहां तक मुझे लगता है मे बी WWE इस मैच में कोई सरप्राइज दिखा सकती है। साथ ही में सिजारो और रिजी हॉलैंड का जो पहला मैच है वो भी WWE ने कंफर्म कर दिया है और ये उनका पहला मैच होने वाला है सिंस मेन रोस्टर या फिर स्मैकडाउन डेब्यू कह सकते हो। इतने दिनों से लगातार उन्हें बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर फीचर किया जा रहा था, फिर शेमस के साथ उन्हें पेयर किया गया और फाइनली WWE ने उनका पहला मैच कंफर्म किया जहां पर सिजारो को बदला लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि सिजारो जा सकते थे सर्वाइवर सीरीज के अंदर टीम स्मैकडाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर रिजी हॉलैंड आते हैं और वो शेमस की ले जाते हैं, शेमस की मदद करते हैं और सिजारो की ले जाते हैं, इसलिए भैया यहां पर मौका मिलने वाला है। मेरे हिसाब से आने वाला स्मैकडाउन का शो कल का शो धमाकेदार शो होगा। लेट्स सी क्या कुछ होता है कल के पूरे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बारे जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार द लिमिटलेस कीथ ली के बारे में। अब जो हमारे कीथ ली हैं WWE के अंदर जब थे उनके काफी सारे हम लोगों ने लुक्स देखे, कभी दाढ़ी आ जाती थी उनके, कभी एकदम क्लीन शेव चिकने लॉन्डे बन जाते थे, लेकिन रिसेंटली कीथ ली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक ऐसी फोटो रिवील की है, एक ऐसा सरप्राइज लुक रिवील की है जो कि सही में सरप्राइज कर देने वाला है। फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ कीथ ली की आ चुकी है अपने दाढ़ी घनी घनी सी, लेकिन वो दाढ़ी एक्चुअल में वाइट दाढ़ी है। आई नो अब बहुत से लोग कहेंगे भैया जो बियर्ड वाइट होने का रीजन है उनकी एज वगैरह का फैक्टर है, WWE को ये लगा कीथ ली बूढ़े हो चुके निकाल डालो भैया इसे कंपनी से, तो एक्चुअल में ये रीजन नहीं है एज के हिसाब से यहाँ पर कीथ ली की वाइट बियर्ड को जज मत करना। उल्टा जो कीथ ली यहाँ पर खुद सारी चीजें रिवील करते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं एक्चुअल में मैं वो इंसान नहीं जो कि काफी सारी सेल्फी वगैरह लेता है, लेकिन एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं अपने बारे में, जब से मैं 16 साल का था तब से ये जो वाइट बियर्ड है या फिर वाइट हेयर्स हैं मेरे आते रहते हैं। और हाँ ज्यादातर होता है कि वो कॉन्ट्रास्ट यानी कि कलर वगैरह कर लेते हैं अपने बालों को दाढ़ियों को, लेकिन उन्हें आज लगा कि उन्हें अपना एक अलग लुक दिखाया जाए फैंस को उनके पूरे ऑडियंस को कि भैया ये कीथ ली का रियल लुक है। उन्हें 16 साल से यही चीज है कि उनके जो वाइट हेयर्स और वाइट बियर्ड आती थी। अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं मुझे पता है काफी सारे लोग स्टिल इसे एज से कंपेयर करेंगे भैया कीथ ली बूढ़ा हो चुका है, लेकिन ये मैटर एक्चुअल में नहीं है। और थैंक्स गिविंग डे के ऊपर थैंक्स गिविंग ह्यूमन करके यहाँ पर उन्होंने मैसेज दिया है और साथ ही में थैंक्स किया उन सभी का जो कि उन्हें भर भर कर सपोर्ट करते हैं। तो भाई इस सरप्राइज लुक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब कीथ ली ने वाइट दाढ़ी रख ली? और मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जहां भी जिस भी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर कीथ ली जाएंगे मे बी उनका जो लुक है वहां पर ऐसा ही होने वाला है वाइट बियर्ड के साथ में अपने। कीथ ली के आपके हिसाब से खतरनाक लुक है? मुझे तो बड़े अजीब से क्यूटी पाई जैसे लग रहे हैं। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर, गलत मतलब मत लीजिएगा इसका। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक के बारे में। अब जो रायबैक है वो WWE के अंदर वापस आएंगे या फिर नहीं, मेरे हिसाब से रायबैक के मन में ये बातें खुद भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी रायबैक कहते हैं अरे मैं वापस आ रहा हूं, कभी कहते हैं मैं वापस आना नहीं चाहता, कभी कहते हैं मुझे वापस बुला लो और कभी कहते हैं कि उस बेकार सी कंपनी के अंदर मैं वापस आना चाहता नहीं हूं। और एक बार फिर से रायबैक ऐसी कुछ स्टेटमेंट दे डालते हैं जब उनका रायबैक का खुद का शो होता है और शो के ऊपर कोई बंदा पूछता उनसे कि क्या आप WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आना चाहोगे, तो रायबैक बताते हैं हाँ वो WWE के अंदर वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन पुट ओवर करते कि अगर WWE इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगी तब जाके रायबैक एक बार फिर से वापस आएंगे। वो कहते हैं देखो मैं WWE के अंदर वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन जो मेरी इकलौती कंडीशन है वो ये कि जो विंस मैकमैन है उसे एज लीडर स्टेप डाउन करना पड़ेगा, विंस मैकमैन की जगह वहां पर किसी और इंसान को होना चाहिए, कंपनी बिक जाए या फिर
लीडर चेंज हो जाए उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ शायद अगर विंस मैकमैन की जगह कोई और लीडर नया आता है तो डेफिनेटली विंस मैकमैन से 100 गुना ज़्यादा बेटर लीडर होने वाला है। ये बात परफॉर्मर के लिए, बात टैलेंट्स के लिए, और ये बात पूरी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगी जैसे ही विंस मैकमैन स्टेप डाउन करेगा एज चेयरमैन या फिर एज लीडर कंपनी का, जो कि पूरी स्टोरीज को हमें कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी उस दिन मैं खुद जाऊँगा WWE के पास में और कहूँगा भैया मुझे वापस बुला लो, मैं एक बार फिर से आपकी कंपनी के अंदर वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में WWE जो है वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था पूरे करियर का, जो मेरी पॉपुलैरिटी या फिर जितना भी मुझे ऑडियंस की अटेंशन मिले वो WWE से मिली है। मैं भी चाहता हूँ मैं वापस जाऊँ, लेकिन जब तक विंस मैकमैन है वहाँ पर जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या फिर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही विंस मैकमैन हटेगा एज लीडर वैसे ही मैं WWE के अंदर एक बार फिर से डेफिनेटली वापस आऊँगा। क्या आप लोग देखना चाहते हो रायबैक को एक बार फिर से WWE के अंदर रिटर्न करते हुए या फिर नहीं, या फिर आपके हिसाब से एक बार फिर से रायबैक थोड़ी ड्रामेबाजी टाइप कर रहे हैं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। अब जो हमारे रोमन रेंज है ट्राइबल चीफ है WWE के अंदर, जैसे मैंने कहा धमाल मचा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्या रोमन रेंज और ब्लड लाइन के प्लान्स होंगे इसको लेकर पॉल हेमन का रिसेंटली इंटरव्यू होता है और पॉल हेमन काफी सारी बड़ी चीजें रिवील कर डालते हैं। वो कहते हैं देखो हमारे ट्राइबल चीफ ऑलरेडी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं, उन्होंने जॉन सीना को स्मैश कर दिया, उन्होंने एज और डैनियल ब्रायन को एक साथ स्मैश किया, उन्होंने फीड को स्मैश करके रख दिया, उन्होंने स्मैश करके रख दिया मेरे ही खुद के पुराने क्लाइंट बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर को। अब क्या प्लान होने वाले आने वाले टाइम में ट्राइबल चीफ एंड द यूसोस के? तो रोमन रेंज का भी फिलहाल जो मेन फोकस है वो ये कि जो रोमन रेंज है वो अपने आप को हर हफ्ते हर दिन हर घंटे इंप्रूव करना चाहता है। जो रोमन रेंज का अगला गोल है उसने ऑलरेडी मुझे पूरे तरीके से साफ कर दिया। रोमन का कहना यह है कि आज जो रोमन रेंज है वो कल उससे ज्यादा बेटर होना चाहिए। आज से तीन हफ्ते पहले का जो स्मैकडाउन का शो था रोमन रेंज के कारण आज से दो हफ्ते बाद ये जो स्मैकडाउन का शो है 100 गुना ज्यादा बेहतर होना चाहिए। जो रोमन रेंज के गोल है वो ऑलरेडी उसने बहुत ही बार मुझे क्लियर किए हैं कि भैया मैंने ऑलरेडी सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हरा दिया, सभी चंगू मंगू को WWE से निकाल दिया है, तो अब सीधा मेरा गोल होने वाला है वो ये कि मैं अपने आप को डे बाय डे आवर बाय आवर वीक बाय वीक पूरे तरीके से इंप्रूव करूं और रोमन रेंज जरूर आने वाले टाइम में करेगा ताकि वो जो स्मैकडाउन की ऑडियंस है उन्हें और भी ज्यादा इंजॉयमेंट दे पाए, जो स्मैकडाउन की ऑडियंस है उन्हें प्रिविलेज मिल पाए कि वो ट्राइबल चीफ को आराम से देखे और भी ज्यादा इंप्रूव ट्राइबल चीफ को देखे आने वाले टाइम के अंदर। बात रही थी उसोस के बारे में, उसोस के ऊपर मुझे काफी ज्यादा गर्व है, वो अलग बात है सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो लोग हार गए, लेकिन जो उसोस हैं अभी फिलहाल वो काफी कमाल कर रहे हैं WWE के अंदर रोमन के साथ मिलकर। और मैं ये कह सकता हूं अगर ये उसोस की पूरा इलाके उनकी पेनिटेंटरी है तो उसका वार्डन बन के मैं काफी ज्यादा खुश रहूंगा। वार्डन एक्चुअल में सिक्योरिटी गार्ड टाइप होता है, तो पॉल हेमन वो बनना चाहते हैं उसोस के पूरे इलाके का और ट्राइबल चीफ का। ये साफ साफ गोल उन्होंने बता डाला है कि रोमन अब किसी को स्मैश नहीं करना चाहते हैं, रोमन रेंज अपने आप को डे बाय डे टाइम बाय टाइम इंप्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो स्मैकडाउन है वो और भी ज्यादा बेटर शो बन पाए, वो चाहते हैं जो ट्राइबल चीफ है उसकी और भी ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाए पूरे स्मैकडाउन के शो के अंदर। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से रोमन रेंज रिसेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुए हैं? अगर मैं देखूं जब ट्राइबल चीफ वाला करेक्टर स्टार्टिंग के अंदर आया था तब से लेके अब तक 100 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है और ये करेक्टर जितना लंबा जाएगा आई बेट जो रोमन रेंज पॉल हेमन उसोस हैं वो और भी ज्यादा बेटर इंप्रूव करेंगे। ब्लड लाइन अभी फिलहाल स्मैकडाउन को चला रही है, इसमें तो कोई भी भाई अब शक नहीं बचा है। मैकइंटायर हाँ डेफिनेटली बड़े स्टार हैं, लेकिन मैकइंटायर का यूज अभी फिलहाल मिड कार्ड या फिर उससे नीचे हो रहा है पूरी तरीके से बिल्ड करने के लिए। अभी फिलहाल अगर मैं मेन हाईलाइट करूं तो पर्सनली स्मैकडाउन की मुझे तो सिर्फ ब्लड लाइन ही लगती है और उनके कारण जो स्मैकडाउन है 1.9 मिलियन या फिर 2 मिलियन रेटिंग्स गेन कर पा रहा है। बस आज की वाली वीडियो बस यही देखती है, वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।